अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नुमान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसमें मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि YouTube के ऊपर कभी कभार वीडियो जब अपलोड करते हैं तो ऊपर लॉक का जो है वो आइकॉन बना हुआ आ जाता है, यानी कि वीडियो जो है वो प्राइवेटली शेयर होती है, सिर्फ आप ही उसको दे सकते हैं, वो पब्लिकली शेयर नहीं होती। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या मसला होता है और उस मसले का हल कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, ये मैंने अपने मोबाइल का इंटरफेस ओपन कर दिया है। मैं यहाँ से YouTube में जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं ऊपर जो रिकॉर्ड बटन आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पर, उसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आगे रिकॉर्ड और गो लाइव के साथ नीचे डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ जो मेरे मोबाइल में मौजूद हैं वो आ जाती हैं। उन्हीं में से मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर देता हूं एग्जांपल के तौर पर, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जब इस किस्म का इशू आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये मैंने वीडियो सेलेक्ट कर दी, इसको मैं जो है वो अपलोड करता हूं। पहले मैं कोई सा टाइटल दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। और आप देख रहे हैं नीचे मैंने जो है प्राइवेसी जो है वो पब्लिक रखी हुई है। तो अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अपलोडिंग के बाद जो है वो YouTube की तरफ से प्रोसेसिंग भी होती है। प्रोसेसिंग में असल में 240p से लेकर 1080p तक जो है वो फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट किस्म के YouTube की तरफ से सेट हो रहे होते हैं, तो वो प्रोसेसिंग होती है। तो अभी अपलोडिंग हो रही है, अपलोडिंग के बाद अभी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, मैंने लेकिन वीडियो थोड़ी सी कट कर दी है बीच में से। तो अभी आप देख रहे हैं ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है और उसमें जो है वो लॉक बटन है, यानी कि प्राइवेट है वो। अब मैं इसको शेयर करूंगा, 3 डॉट्स ऊपर से लगा कर मैंने शेयर किया, पब्लिश किया। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा तो ये अनलिस्टेड हो जाएगी, मतलब जो इसकी वो प्राइवेसी है वो अनलिस्टेड हो जाएगी। तो उसके बाद दोबारा से मैं सेटिंग्स, उसी जगह उसके जो 7 ऑप्शन है 3 डॉट्स, उसके बाद मैं दोबारा सेटिंग्स में जाऊँगा। मैं सेटिंग्स में जाकर इसको अब पब्लिक पर दोबारा कर दूँगा। जब मैं इसको दोबारा पब्लिक पर करके सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगी। देखिए, मैं इसको पब्लिक किया और सेव का बटन दबाया तो अब ये सेव हो रही है। और ये देखिए, अब ये पब्लिक का इसके ऊपर साइन आ गया। तो ये सारा प्रोसीजर है, आसान सा है, इसी तरह आप कीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टेक्निकल टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग जल्द ही आने वाली है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। दिस इज़ नुमान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।